टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रहे साइरस मिस्त्री का सड़क हादसे में दुखद निधन हो गया, जिसके बाद 6 सितंबर को उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन पारसी रीति रिवाज के मुताबिक उनको न ही दखमा कब्रिस्तान में दफनाया गया और न ही टावर ऑफ साइलेंस पे उन्हें गिद्धों और चीलों के लिए छोड़ दिया गया। तो आखिरकार ये दोनों प्रथाएं हैं क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। पारसी या जरथोस्त्र धर्म विश्व के प्राचीन धर्मों में से एक है। पारसी धर्म की स्थापना पैगंबर जराथुस्त्र ने प्राचीन ईरान में 3500 साल पहले की थी। हालांकि बाद में पारसी समुदाय के लोगों ने पलायन शुरू किया और 10वीं शताब्दी में वो भारत आ गए। पारसी समुदाय भारत में आगे चलकर सबसे अमीर लोगों का समूह बना। मुंबई के विकास में भी पारसियों का बड़ा योगदान माना जाता है। अब जब टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन हुआ है तो पारसियों के अंतिम संस्कार की परंपरा की बात हो रही है। वो इसलिए क्योंकि पारसियों के अंतिम संस्कार की परंपरा बेहद अलग है। दरअसल पारसियों के अंतिम संस्कार की परंपरा हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों से काफी अलग है। पारंपरिक रूप से पारसी ना तो हिंदुओं की तरह अपने परिजनों के शव को जलाते हैं और ना ही मुस्लिम और ईसाइयों की तरह दफन करते हैं, बल्कि वो टावर ऑफ साइलेंस में पार्थिव शरीर को छोड़ देते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पारसी समुदाय के लोग पृथ्वी, जल और अग्नि को बेहद पवित्र मानते हैं। इसलिए पारसी समाज के लोग आसमान में पार्थिव शरीर को दफनाते हैं और वो इस प्रक्रिया को पारसियों के कब्रिस्तान दखमा या टावर्स ऑफ साइलेंस में करते हैं। टावर ऑफ साइलेंस एक गोलाकार खोखली इमारत होती है। पारसी समुदाय में किसी की मौत के बाद उसके शव को यहां रखा जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को दोख मिनाशनी कहा जाता है। पार्थिव शरीर को यहां सूरज और मांसाहारी पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है। इस तरह पारसी समुदाय पार्थिव शरीर को आसमान में दफनाते हैं। मुंबई में मालाबार हिल्स में जंगलों के बीच टावर ऑफ साइलेंस बना हुआ है। पारसी समुदाय के लोग यहां अपने परिवार का अंतिम संस्कार करते हैं। हालांकि अब ये प्रक्रिया बहुत कम हो गई है। दरअसल पारसी समुदाय के लोगों को एक नई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वो है भारत में गिद्धों की संख्या का कम होना। एक्सपर्ट की माने तो पिछले कुछ सालों में देश में गिद्धों की संख्या 99% तक कम हुई है। शहरों में तो मुश्किल से ही कोई गिद्ध अब नजर आता है। ऐसे में पारसी समाज को अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों को पूरा करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक गिद्ध तेजी के साथ इंसान का मांस खा जाते हैं, लेकिन अब गिद्ध ना होने की वजह से इसमें काफी मुश्किलें हो रही हैं। जो काम गिद्ध पहले कुछ घंटों में कर लेते थे, अब उसे होने में काफी दिन लग जाते हैं। इससे कई दिनों तक लाश सड़ती रहती है और दुर्गंध आने लगती है। इससे बचने के लिए कई पारसी अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को बदल रहे हैं। मुंबई में पारसियों के पास अंतिम संस्कार के अब 3 विकल्प हैं। पहला दखमा या टावर ऑफ साइलेंस, दूसरा वर्ली शमशान घर में शवों को दफनाना और तीसरा शवों का दाह संस्कार करना। साइरस मिस्त्री का अंतिम संस्कार बर्ली स्थित शमशान घाट में दाह संस्कार करके किया गया है और अधिकतर पारसी समाज के लोग भी अब इसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।